नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से आ रही है, जहां भंडारण को लेकर प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां अवैध रूप से भंडारण को लेकर प्रशासन की धरफरक जारी है। प्रशासन ने इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की ओर से अवैध रूप से भंडारण को लेकर छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य प्रशासन के निर्देश अनुसार जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के बिचौलिए भी इस रूप में सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन ने सतत निगरानी रखनी शुरू कर दी है और इस पर अंकुश लगाने के लिए जिला कलेक्टर अजीत वसंत को निर्देश जारी कर दिया गया है कि धान के अवैध परिवहन और भंडारण करने वाले बिचौलियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में लोरमी अनुभागी के अनुभागीय अधिकारी राजस्व मेनका प्रधान ने वांचल ग्राम खुडिया में दबिश देकर भजन सोनवानी के घर पर अवैध रूप से भंडारण 76 बोरी धान और कैलाश साहू के सार्वजनिक भवन में अवैध रूप से भंडारित 30 बोरी धान को जब्त किया है। इसके बाद से वहां पर हड़कंप मच गया। कार्रवाई से बिचौलिए भी सकते में नजर आ रहे हैं और स्थान में इस समय हड़कंप मच गया। इस अवसर पर राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुंगेली के छत्तीसगढ़ के मुंगेली से अगली खबर है, जिसमें कि बताया गया कि कैसे जो धान की खरीद बिक्री है उसको लेकर, जो दूसरे दिन कितना धान बिका है उसको लेकर खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से धान की खरीद को लेकर खबर सामने आ रही है कि दूसरे दिन धान कितना बिका है। 1 दिसंबर से हो रहा धान की खरीद का कार्य समर्थन मूल्य पर धान खरीद के दूसरे दिन 58,351 क्विंटल धान की खरीदी राज्य के शासन पर निर्देश की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धान की खरीदी का कार्य 1 दिसंबर से शुरू हो गया था। वहीं धान की खरीदी प्रारंभ होने से किसान उत्साहित नजर आए। वहीं जिला विपणन अधिकारी शीतल भोई ने बताया कि धान की खरीदी के लिए जिला कलेक्टर वसंत के आदेश पर चौक चौबंद की व्यवस्था भी कर दी गई है। धान खरीदी केंद्र में 2 दिसंबर होने के बावजूद भी धान अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर उन्होंने एक बयान भी जारी किया है। इस्तीफे के तुरंत बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक बयान जारी करते हुए बताया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मजिंदर सिरसा ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने पर जत्थेदार श्री अकाल साह तख्त साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ने दिल्ली कमेटी के 11 सदस्यों पर गलत ढंग से केस दर्ज करने पर दबाव बनाया। वहीं मजिंदर सिरसा के आगे जेल जाने या बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव रखे जाने पर कहा कि सिरसा ने जेल जाने की जगह बीजेपी में जाना ठीक समझा। अकाली दल ने नेता विरसा वलहोत्रा ने डेरे में गए कांग्रेस से सख्त सवाल किया। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब हरप्रीत सिंह ने कहा कि मतदान के लिए डेरे का सहारा लेना गलत है। जब मुगल साम्राज्य था तब भी सिखों के आगे ऐसे प्रस्ताव रखे जाते थे, लेकिन इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं बल्कि दिल्ली के सिख, वही सिख जिम्मेदार हैं। देखो, जदों विदेशी हुक्मरान भारत आए तो उन्होंने भारत पर कब्जा करने तो बाद लोगों को कहा कि या धर्म चुन लो या कर्म चुन लो। खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां जननायक पार्टी के अध्यक्ष कैथल पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने तमाम तरीके से गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया। पार्टी के अध्यक्ष कैथल पहुंचे और उनका भव्य तरीके से, गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। डॉक्टर अजय चौटाला ने बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कहा कि काफ़ी समय के बाद वो कैथल आए हैं, जिसके बाद पूरे हरियाणा में जिला कार्यालयों पर हम कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं किसान मुद्दे पर पत्रकारों के प्रश्न के जवाब में अजय चौटाला बोले कि हमारे पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार
बाहर आंदोलन के दौरान जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें जल्द वापस ले, ये हमारी पार्टी का स्टेटमेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए योग्यता निर्धारित कर दी है कि जिन लोगों की वार्षिक आय 2 लाख से ज़्यादा है उनको पेंशन नहीं मिलेगी, और जननायक जनता पार्टी भी इस पर अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। तैयारी हम सभी जिला मुख्यालयों पर जाकर के मीटिंग्स ले रहे हैं, सरकारी कर्मियों में जोश और उत्साह है। 2 साल के अंतराल में उधर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रहे जहां संविदा कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, ये उनकी मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन है। संविदा कर्मचारी यहां पर नाराज नजर आए हैं, संविदा कर्मचारियों ने यहां पर विरोध जताते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया है और लगातार प्रदर्शन तेज कर रहे हैं। लंबे समय से कच्चे मुलाजिम के रूप में काम कर रहे पनबस के कर्मचारियों ने मौजूदा सरकार का विरोध करते हुए कहा कि वो पिछले 15 साल से इसी तरह काम कर रहे थे। जहां पनबस के कच्चे मुलाजिमों का कहना था कि लंबे समय से हम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और समय समय पर बस स्टैंड के गेट भी बंद किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जू रेंगती नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर आज एक बार फिर 2 घंटे के लिए बस स्टैंड का दरवाजा बंदकर प्रदर्शन का ऐलान किया गया, जिसके चलते हमने पूरे पंजाब भर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं ड्राइवर और कंडक्टर ने बताया कि 4.5 साल तक की सरकार बने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर गौर नहीं फरमाया गया, जिसके चलते चन्नी मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री से भी मीटिंग हुई है। उन्होंने 20 दिन का समय दिया है, 20 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। कच्चे कर्मचारियों ने एक बड़ा ऐलान किया है कि आने वाली 7 दिसंबर को पंजाब में ड्राइवर और कंडक्टर ना खत्म होने वाला प्रदर्शन करने वाले हैं और हाईवे भी जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। काफ़ी लंबे समय तो 14-15 साल हो गए सानू इस महकमे की सेवा करद, पर सरकार हर वारी साढ़े ना लारा लप्पा ला रही आ। पहलों कैप्टन सरकार से जो सत्ता के आना सी उन्होंने कहा कि मैं पहली कैबिनेट के जोड़े आ कच्चे कामे सारे वर्गों के पक्के कर दूंगा, पर किसी भी मुलाजम किसी भी वर्ग का जोड़ा वा उन्होंने पक्का नहीं किया। हूँ मुख्यमंत्री नवें चरणजीत सिंह चन्नी जी आ गए आ, उन्हें एक 12-10 जी मीटिंग हुई है टेबल टॉक, वो उन्होंने मनिया कि जेडे ताडे कच्चे कामे आ उन्होंने असी 20 दिनों के पक्के करन जा रहे हैं। वो समा जोड़ा वा 11-2 20 दिन का जोड़ा समा पूरा हो गया जी, और रोस के बाद एक इजलास जोड़ा वा होया ही जिदे उन्होंने 9-10 तरीक इजलास होया ही पंजाब विधानसभा का, वो एक कच्चा पिला एक्ट जोड़ा बनाता भी असी। खबर अमृतसर से सामने आ रही जहां पाईटेक मेले का भव्य रूप से आयोजन किया गया, इस दौरान कई कंपनियां भी यहां मौजूद रही, कंपनियों ने यहां पर मेले में भागीदारी निभाई और मेले आयोजन के दौरान भव्य रूप से यहां पर अपनी कड़ी तैयारी के साथ मौजूद रही। पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आगाज अमृतसर में हो चुका है, जहां 10 देशों के बीच व्यापारियों ने इसमें हिस्सा लिया और पहुंचे, जहां लोग इस मेले को देखकर काफ़ी उत्साहित नज़र आए। यहां लोगों को पाकिस्तानी चप्पल और पाकिस्तानी सूट काफ़ी पसंद आ रहे थे, उनका कहना है कि पाकिस्तानी सूट पहनने से काफ़ी अच्छा लग रहा है और भारतीय सूट से अलग भी लग रहा है। उनका कहना है कि हर बार यहां से पाकिस्तानी सूट लेकर जाते हैं और शादी में पहनते हैं और उनके रिश्तेदार भी वह सूट देखकर ऐसे ही सूट लेने की डिमांड करते हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सूट से अलग कढ़ाई है और देखने में ये मोहक भी लगती है। उन्हें इस मेले का काफ़ी देर से इंतज़ार रहता है ताकि वह इस मेले में अपने मनपसंद की चीज़ों को खूब खरीद सकें। पाईटेक से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है, हमारे को एक अवसर मिला है जिससे हम पंजाब के कस्टमर्स को जिंदल पैंथर सरिये के बारे में जानकारी दें, उन्हें ये बताएं कि घर जीवन में एक बार ही बनता है और जब एक बार घर बने तो अच्छे से और उच्च क्वालिटी और उत्तम क्वालिटी का सरिया लगाएं, ये हमारा प्रयास है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट क्योंकि साड़ी पंजाब सरकार ने जड़ी नवी जड़ी पॉलिसी लिया इंडस्ट्री वो पंजाब से इंडस्ट्री जी बढ़ रही है, सो लोग बाहरों आ के निवेश कर रहे हैं। सो तकरीबन पिछले 4.5 साल 1 लाख करोड़ के करीब जी है वो इन्वेस्टमेंट हुई है। मैं समझना पंजाब सरकार जोड़े उपराले कर रही है इंडस्ट्री ले, क्योंकि इंडस्ट्री जी सरकार की
मैं समझना बहुत वड्डी जड़ी है जिन्ना चर इंडस्ट्री नहीं उन्ना चर स्टेट जड़ी है सर्वाइव नहीं। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है जहां अंतर्राष्ट्रीय रूप से गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहे। गीता महोत्सव का आगाज़ हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आगाज़ किया जा चुका है। इस दौरान पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जिसमें पर्यटन मंत्री बोले कि प्रदर्शन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है और जल्द ही प्रतीकात्मक सरस्वती वास्तविक रूप में दिखेगी। हरियाणा की शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुज्जर ने रिबन काटकर इस महोत्सव का शुभारंभ किया और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार गीता के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों को गीता भी भेंट की और उन्होंने गीता अध्ययन उपरांत इसकी सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि जीने का तरीका और जीने का लक्ष्य गीता सिखाती है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस दौरान कार्य करने में लगी है। आज हैंडीक्राफ्ट मेले का उद्घाटन किया और उसके साथ ही आज का जो मीडिया सेंटर है इसका भी उद्घाटन किया। इस प्रकार से हमारी सरकार की का पूरा प्रयास है, हमारी सरकार का पूरा प्रयास है और भारत सरकार का पूरा प्रयास है कि गीता का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में जोर शोर से होना चाहिए और उसके लिए हम प्रयासरत हैं और मैं समझता हूँ कि दुनिया में आज इसका प्रभाव पड़ता भी जा रहा है। जब से आपका राज्य आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। शुक्रिया।